Hi guys, welcome to Subhu Academy. I'm going to discuss about the trigonometrical table. ठीक है, सो देखिए टेबल बहुत स्टूडेंट को याद नहीं रहता. ठीक है, सो एक ईजीएस्ट मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, सो कुछ ही आपको डिजिट्स मतलब या नंबर थोड़ा याद करना है, फिर इधर उधर करके मैं आपको मतलब आप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये ट्रिक कैसा है देखिए. अगर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ऑल थीटाज आर गिवन. ठीक है, और मैं आपको 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री तक दिया हुआ है, तो इतना ही आता है ICSE में. ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आता है. तो आपको ये टेबल मेमोराइज़ करना है. ठीक है, तो बहुत स्टूडेंट टेबल मेमोराइज़ नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको ईजीएस्ट में बता देता हूँ. तो देखिए साइन थीटा का ज़ीरो, तो ज़ीरो क्या होगा आपको बोल दो कि साइन थीटा का ज़ीरो डिग्री में वैल्यू ज़ीरो ही होता है. ठीक है, अब 30 डिग्री में क्या वैल्यू होता है, 30 डिग्री में हाफ वैल्यू होता है. ठीक है, अब साइन 45 का डिग्री वैल्यू होता है 1/√2. ठीक है, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2. ठीक है, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1. ठीक है, अब देखिए ये आपको पता होना चाहिए, 0, 1/√2, √3/2 और 1. ठीक है, अब जब आप कॉस लिखेंगे ना तो पूरा क्रॉस कर दीजिए. ये यहाँ आप लास्ट में 1 लिखे, ठीक है, वो 1 आप फर्स्ट में लिखे. सो कॉस 0 का वैल्यू हो गया 1. ठीक है, ऐसे इजीएस्ट वे ऑफ रिमेंबरिंग. अब देखिए यहाँ क्या है, √3/2 आप यहाँ लिखे थे, वो आप यहाँ कर दीजिए √3/2. ठीक है, अब देखिए ये हाफ, यहाँ हाफ है साइन 30 का, ये हाफ आप इधर कर दीजिए 1/2. सो बीच में कौन बचा, 1/√2. सो उसको आप ऐसे ही लिख दीजिए 1/√2. सो ये ज़ीरो देखिए पहले था, सो इसको आप एकदम लास्ट में लेके आइए. ठीक है, सो ईजीएस्ट वे ऑफ रिमेंबरिंग इज दिस. फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस साइन थीटा का वैल्यू 0, 1/√2, √3/2, 1. और कॉस जब आप लिखेंगे सिर्फ इसको डिजिट्स क्रॉस कर दीजिए, लास्ट में जो वन है उसको पहले लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर इसको डालिए, और बीच में जो 1/√2 है वो सेम रहेगा. ठीक है, ऐसे आपका कॉस निकल लिया आपने. ठीक है, फिर टेन देखिए, टेन का इजीएस्ट वे, टेन का 45 का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, ये आप जान लीजिए. ठीक है, और टेन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो हो गया. अब बचा क्या है, 30, 60 और 90. ठीक है, अब 30 का वैल्यू होता है 1/√3. ठीक है, और 60 का वैल्यू होता है √3. ठीक है, और 90 का 95, 90 का वैल्यू 95 है. अब देखिए कोसेक सेक और कॉट, ये आप क्या कैसे मेमोराइज करते हो. ठीक है, अब पहले आपको मैंने बता दिया था कि कोसेक थीटा किसका उल्टा है, कोसेक थीटा ऑब्वियसली साइन का उल्टा होता है. ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा. ठीक है, सो कोसेक थीटा जो होगा वो साइन का उल्टा होगा. ठीक है, सो ज़ीरो का उल्टा क्या होता है, अगर मैं ज़ीरो को बोलूँ तो ज़ीरो का उल्टा ज़ीरो ही होता है, ज़ीरो होता है. अब 30 कोसेक 30 का वैल्यू अगर मैं पूछूँ तो देखिए यहाँ हाफ है. ठीक है, तो कोसेक मतलब साइन का उल्टा, तो हाफ, तो वो हो गया 2/1. सो 2/1, सो नथिंग बट 2, राइट. अब देखिए 45, साइन 45 का क्या वैल्यू, 1/√2. सो कोसेक का क्या वैल्यू होगा, उसका उल्टा रेसिप्रोकल कर दीजिए, सो √2/1 इज नथिंग बट √2. ठीक है ना, अब कोसेक 60 का वैल्यू क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए 2/√3. और 1 का अगर आप उल्टा भी करेंगे तो वो आंसर 1 ही आएगा. ठीक है, अब sec, अब sec थीटा देखिए, sec किसका उल्टा है, sec थीटा cos का उल्टा होता है. ठीक है, cos का उल्टा होता है sec. ठीक है, सो जब आप sec थीटा करेंगे उसका cos का उल्टा करेंगे, सो sec थीटा का कॉस का उल्टा होता है, सो ये हो गया 1. ठीक है, आई एम सॉरी, ये नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड. ठीक है,
और ये sec थीटा हो गया 1, ठीक है। अब देखिए रूट थ्री बाई टू ये हो गया 2 बाई रूट 3, ठीक है। अब देखिए cos का देखिए 1 बाई रूट 2 है, सो ये हो गया √2/1, सो हो गया √2, ठीक है। अब देखिए ये 1/2 है, 1/2, सो हो गया 2/1, सो 2/1, सो 2, सो दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड और जीरो एक ही होता है, ठीक है। चलिए सो cot थीटा, अब cot थीटा में आते हैं, cot किसका उल्टा होता है, cot होता है tan का उल्टा, ठीक है। अब tan tan 0 मतलब cot 0, ये नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। अब देखिए 1/√3 रहा था तो यह होगा √3/1, सो √3, अगर ये 1 है तो यहाँ 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ √3 है तो यहाँ होगा 1/√3, ठीक है। और cot का 90 में नॉट डिफाइंड था, यहाँ इसका वैल्यू हो गया 0, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल, ऐसे आपको याद करना है। तो मेन जो याद करना है आपको ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों आपको अच्छी तरह से याद करना है, याद मिलता है, ठीक है। फिर आप पूरा टेबल आप निकाल सकते हैं। सो थैंक यू, इफ़ यू डू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ गिव अ थम्स अप, थैंक यू।